अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं घर पर चिकन नगेट्स, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये देखिए, एक मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं अंदर से। रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बोनलेस चिकन हमने लिया है 250 ग्राम, 1.5 ब्रेड का स्लाइस लिया है, अंडा लिया है आधा, सोया सॉस 1/2 टीस्पून लिया है हमने, 2.5 टेबल स्पून दूध लिया है, 1/4 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, पेपरिका पाउडर 1/4 टीस्पून एंड 1/2 टीस्पून सॉल्ट। अब हम ब्रेड जो है उसमें दूध डाल के इसे थोड़ी देर के लिए सोक कर देंगे। अब हमने लेना है चिकन, उसे किसी भी पेपर टिश्यू या किसी भी किचन टॉवल के साथ अच्छे से पैट ड्राई कर लेंगे, ताकि जो भी इसके अंदर पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। ये नगेट्स का सबसे मेन स्टेप है, आप इसे ज़रूर कीजिएगा, इससे आपके नगेट्स बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। मैंने इसे अच्छे से ड्राई कर लिया है, अब इसे एक बाउल में डाल लेंगे। अब हमने लेना है सोक किया हुआ ब्रेड, उसे एक चॉपर में डालकर थोड़ी देर के लिए चला लेंगे। इसमें चिकन डालेंगे, इसे भी चॉप कर लेंगे अच्छे से। आप अगर चाहें तो इसे किसी भी मसाला पीसने वाले डिब्बी में भी डालकर ग्राइंड कर सकते हैं। चिकन हमारा ग्राइंड हो गया, अब हम इसमें अंडा डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे, गार्लिक पाउडर डालेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। गार्लिक पाउडर की बजाय आप इसमें फ्रेश गार्लिक भी डाल सकते हैं। पेपरिका डालेंगे और नमक डालेंगे, डालकर इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने लिया है 1/2 कप मैदा, 2 चुटकी हमने ली है ब्लैक पेपर, कॉर्नस्टार्च लिया है 1 टेबल स्पून, नमक लिया है 2 चुटकी। इन सब चीज़ों को हम एक प्लेट में डाल के अच्छे से मिला लेंगे। अब हमने अपने हाथों को कर लेना है ग्रीस और बैटर लेके एक नगेट्स बना लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं नगेट्स का। अब हम इसे मैदा लगाएंगे। अंडा लगाएंगे, और ये मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स। अब हम इसे ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। अगर मैदा और अंडा लगाने से आपका जो नगेट्स है उसकी शेप ख़राब हो रही है, तो आप ब्रेड क्रम लगाने के बाद इसे अच्छे से शेप दे सकते हैं। ये देखिए, एक नगेट्स जो है हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसे हम प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह से हम जो सारे नगेट्स हैं उन्हें तैयार कर लेंगे। अगर आपको लगे कि आपका बैटर थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट है, तो आप इसमें 1 या 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, चिकन को अच्छे से ड्राई करेंगे, तो आपका बैटर बिल्कुल भी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होगा। देखिए, सारे नगेट्स जो हैं हमारे तैयार हो गए हैं।
आप इसे पॉइंट पे इसे फ्रीज कर सकते हैं। अभी हम इसे करेंगे फ्राई। पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे जिससे हमारे नगेट्स जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो सकें, और नगेट्स को फ्राई कर लेंगे। हमने इन्हें ज़्यादा तेज़ गैस पर फ्राई नहीं करना, ऑयल जो है हमारा मीडियम गरम होना चाहिए। एक साइड से फ्राई करने के बाद हम इसे पलट लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। हमारे नगेट्स फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। और हमारे डिलीशियस होममेड नगेट्स बनकर तैयार हैं। ये घर में बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी हैं ये। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।